दिल्ली पुलिस की सीमा में छतरापुर में दो लोग अवैध तरीके से महफूल की शराब तैयार कर बेचे जाने की गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। पारशिवनी पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक ज्ञानोबा परनाटे की अगुवाई में छतरापुर ग्राम में पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने शुक्रवार की दोपहर जाल बिछाकर अवैध तरीके से देशी शराब तैयार कर रहे ठिकानों पर छापा मारकर कार्रवाई करते हुए मवा शराब तैयार कर रहे दो लोगों को रंगे हाथ पकड़ते हुए कार्रवाई की। पुलिस विभाग के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार छतरापुर ग्राम में जंगली झाड़ियों में दो ठिकानों पर मवा शराब तैयार कर बेची जा रही थी। इस तरह की जानकारी मिलने से पारशिवनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वहां पर शराब तैयार कर रहे बबलू गजानन ताकुत उम्र 45 वर्ष कादरी निवासी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उसके पास से शराब बनाने के लिए उपयोग में लाने जाने वाले 200 किलो मवा सड़वा जब्त किया गया, जिसकी कीमत 12,000 रुपए आकी गई है। वही 8,000 रुपए की कीमत की 80 लीटर मवा शराब भी बरामद की। कुल मिलाकर 30,690 रुपए का माल पारशिवनी पुलिस ने जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध पारशिवनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी घटना में छतरापुर ग्राम के पास झाड़ियों में रामलाल गजानन ताकुत उम्र 35 कादरी निवासी को दो ड्रमों में देसी मवा शराब तैयार कर रहा था, तभी पारशिवनी पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए उसके पास से 280 किलो सड़वा मवा 80 लीटर मवा शराब के साथ उपयोग में लाए जाने वाला साहित्य जब्त करते हुए कुल मिलाकर 27,690 रुपए का माल घटनास्थल से बरामद करने में पारशिवनी पुलिस विभाग को सफलता मिली। यह दोनों कार्रवाई पुलिस निरीक्षक हृदय नारायण यादव के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक ज्ञानोबा परनाटे, पुलिस हवलदार प्रभाकर झाड़े, पुलिस सिपाही रोशन काय ने की। आमचे डीपी पथकाचे आणि पीएसआई परनाटे यांच्या टीम ने काल दारूभट्टी आणि मोवा सडवाची कारवाई केली होती। त्याच्यात दोन आरोपी अरेस्ट केले आणि जवळजवळ 50,000 मोवाफूल सडवा आणि मोवा दारू जप्त केली आहे आणि आरोपी दोन अटक केलेले आहे। रात्रीच्या वेळी आमच्या डीपीच्या पथकाने परत एक वाहतूक करताना जे मोटरसायकलवर दारू वाहतूक करताना त्याच्या जवळजवळ 50,000 माल त्याच्यातही जप्त करण्यात आला आहे। आणि तिसरी एक वेगळी कारवाई ज्याच्यात आपण अवैध वाहतूक करून जनावर 6 जनावर घेऊन चालले होते, त्या जनावर 6 जनावर अटक केलेल्या आहे। त्याच्यात एक छोटा हत्ती म्हणजे टाटा एस ही गाडी पण जप्त करण्यात आलेली आहे आणि दोन आरोपींना अटक केलेल्या आहे। बीसीएन न्यूज के लिए पार्श्वनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।